कोलारस विधानसभा मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की दो शाखाएं मौजूद हैं, जिसमें एवी रोड शाखा के प्रबंधक नीरज शर्मा का कोलारस से भोपाल स्थानांतरण हुआ तथा बिंदल मार्ग शाखा के प्रबंधक अजीत सिंह का भी ट्रांसफर हो गया। दोनों ही शाखा प्रबंधकों के स्थानांतरण के दौरान शनिवार को कोलारस की एवी रोड शाखा में पेंशनर सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक ज्योति रंजन और विवेक शर्मा मुख्य प्रबंधक शिवपुरी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शाखा प्रबंधक के स्थानांतरण होने पर पेंशनर संघ की ओर से दोनों शाखा प्रबंधकों का सम्मान शॉल श्रीफल मुख्य प्रबंधक श्री विवेक शर्मा सर एवं पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे गोयल सर, चतुर्वेदी सर, श्रीवास्तव जी शर्मा सर और हमारे यहाँ जितने सभी बैठे हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। कोई प्रोग्राम करते हैं चाहे पेंशन हो या कुछ भी, हमारे पत्रकार बंधु चाहे हरीश भाई हो, चाहे अशोक चौबी हो, चाहे विशोक व्यास जी, छोटी रिक्वेस्ट में बैंक आते हैं और आप लोगों के सहयोग से चाहे हमें कभी रिकवरी का काम पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, छोटे से अनुरोध पे आप लोगों के द्वारा बैंक का बहुत सहयोग नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे प्रबंधक महोदय जी आए, हम चाहेंगे कि साहब हमें मार्गदर्शन करें और उसके आधार पर आप लोगों को सुलभ सुविधा हम आपको उपलब्ध करा सकें। और बैंकिंग व्यवसाय होता है तो बैंकिंग में सिर्फ एक ही इच्छा जागृति रहती है कि बैंकिंग का डिपॉजिट बैंकिंग के अन्य व्यवसाय आप लोगों से चलते हैं। इसका सीधा उदाहरण है, जब मैं 21 अगस्त 2021 में शाखा में आया था, प्रथम बार मैंने पेंशन मीट रखी थी तो हमारी ब्रांच का 48 करोड़ डिपॉजिट हुआ करता था, जो बड़ा सोचनीय था। तो मैंने आप लोगों से एक अनुरोध किया था और आज आप लोगों ने अपना पैसा एवं अपना परिवार का पैसा देके आज हमारे बैंक की जो हमें सहयोग दिया एक सम्मानजनक स्थिति में, चाहे पेंशन लोन की जब हमें जरूरत पड़ती है, कार लोन की जरूरत पड़ती है या पारिवारिक शिक्षा ऋण की जरूरत, तो आप लोगों का सहयोग बहुत रहा है। वो उम्मीद करता हूँ आप कभी नहीं, क्योंकि मेरे को सुनने के बाद आप लोगों का ये कहना कि सर क्या हुआ, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे से भी अच्छा कोई व्यक्ति आएगा। और हमारे साहब आए उस दिन से साहब की एक ही इच्छा आ रही है कि किसी भी ग्राहक के साथ में किसी भी तरह का गलत व्यवहार ना हो। जब हमारे मुखिया का इस तरह का हुआ तो आप 100% हमारी तरफ से आश्वस्त मान के चलिए कि मेरे से बेहतर आपको सुविधा मिलेगी। और मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये ट्रांसफर प्रोसेसिंग ये तो प्रक्रिया है चलती रहती है, लेकिन हमारे साहब मुखिया है बैंक के चेयरमैन श्री दिनेश खरा साहब, उनका भी एक ही कहना है कि ग्राहक सेवा हमारा उत्तम रहना चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि कस्टमर को कम से कम मैनुअल इंटरवेंशन हो और उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। दो चार चीज़ें मैं बताऊंगा, टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल चीज़ों के बारे में, एक फ्रॉड का भी जिक्र किया जो सीनियर लोग जल्दी उसमें आ जाते हैं और दिक्कत होता है उसके बारे में टिप्स देना चाहूँगा ताकि आप सुरक्षित रह पाएँ। लेकिन हमें खुशी बहुत मिली कि नीरज शर्मा जी को सभी लोग याद कर रहे हैं और जो स्थानांतरण है एक प्रक्रिया है बैंक का, 2-3 साल में एक रूल है कि हमें वहाँ पर बदलाव परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी व्यक्ति आएंगे, कोई व्यक्ति बराबर तो नहीं होता है लेकिन अच्छा से अच्छा सर्विस आपको देगा। कितना देगा वो आप देखिएगा, हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं शर्मा जी से भी अच्छे लोग आ गए, तो वो समय के साथ अपने उसको पता चलेगा। ठीक है, इस ब्रांच में मेरे को लग ही रहा है कि पेंशनर्स को काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, पूरे बोर्ड में देख रहा था, पेंशन लोन, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, हर कुछ में पेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग को भी आगे जाके पेंशनर बनना है, तो जब आपका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा। ठीक, इसलिए ज़रूरत है अच्छे पेंशनर्स, इसलिए मैंने बोला कि एक पेंशनर लिस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। दो चीज़ है, कुछ एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती है आप लोग को ब्रांचेज में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पेंशन स्लिप चाहिए होता है या आपका स्टेटमेंट देखना होता है तो बहुत ज़्यादा आप इंटरनेट बैंकिंग पे जाना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, तो हमारे पास एक नया उपाय है जिसको हम व्हाट्सएप बैंकिंग बोलते हैं, शायद आपको आइडिया नहीं होगा, उसको यूज करिएगा, केवल उस पर हाई लिखिएगा और आपका पेंशन स्लिप आ जाएगा, आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये सुविधा जरा सभी लोग को दीजिए, केवल एक बैंक का नंबर है 90226, उसको आप सेव कर लीजिए, उस पर आपका जो अकाउंट है जिसमें पेंशन अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, क्योंकि सिम बाइंडिंग रहता है, फ्रॉड होने का कोई भी चांसेस नहीं है, उस पर 10-15 तरीकों का सेवाएँ उपलब्ध है नॉन फाइनेंशियल जो कि वित्तीय नहीं है, उसको आप यूज कर सकते हैं। सेकंड, फ्रॉड के बारे में नीरज जी ने बताया,
तो जब भी कभी कोई ऐसा कॉल आता है जो आपको लगता है कि फ्रॉडुलेंट है, ओटीपी मांगता है या कुछ ऐसा लालच देकर चाहता है कि आपके पैसे को बाहर निकाल लिया जाए, इस केस में सचेत रहिए, अवेयर रहिए। और बाय द वे कभी गलती हो जाए, हो सकता है ना, ओटीपी चला गया, हमारे पास मैसेज आया कि हमारे खाते से पैसा कट जाए, तो एक नंबर है 1930 साइबर क्राइम का, सभी लोग जानते हैं, उस पर तुरंत कॉल करिए। तुरंत कॉल करने का फायदा यह है कि आपका पैसा यदि कटता है तो किसी न किसी फ्रॉड वाले के अकाउंट में ही जाएगा, नगद नहीं जाएगा। तो जितना जल्दी वो अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे उतना जल्दी आपका पैसा मिलने के चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कुछ हो तुरंत 1930 पे साइबर क्राइम का नंबर है, उसको कॉल लगाइए, अपने जो भी घटनाएं बताइए, तुरंत उसका खाता ब्लॉक हो जाएगा। इसका यह मतलब है कि जितना जल्दी कॉल लगाएगा उतना जल्दी फायदा होगा, ये केवल पेंशनर के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। और खाते को भी फ्रीज करना जरूरी है जब फ्रॉड होता है, तो एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1234 याद रखिएगा, 1234 1800 1234, उस पर कॉल करिएगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आपको 1930 पे करिएगा तो पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोनों उपाय करना है, अपने को सचेत भी रहना है, दूसरा अपने को नॉलेज भी रखना है कि कैसे अपनी चीज़ों को हम रोक सकें। ब्रांच कम से कम आना पड़े क्योंकि भीड़ होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आपको एक टेक्नोलॉजी के रूप में व्हाट्सएप बैंकिंग बताया। एक बार यूज करके देखिए, अच्छा लगे तो उसको करिएगा, बहुत ईजी है, यूजर फ्रेंडली है, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। अभी पेंशनर्स, मतलब पहले होता था कि 60 साल हो गया, अभी दो नए यंग पेंशनर जुड़े हैं, मैं तो यंग ही मानता हूँ सभी को, क्योंकि 60 के बाद तो आप लोग, हम लोग जो अभी तो बहुत बिजी हैं दिन भर काम और सभी कुछ, 60 के बाद जो आपका हॉबी है वो अपन पूरा करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले कहा जाता था कि 60 के बाद लोग समेटना शुरू कर देते थे, क्योंकि अब तो आखिरी है, राम नाम जपना, ऐसा नहीं, अब अपना एवरेज एज बहुत बढ़ गया है, 80 साल हो गया है, 90 साल हो गया है। अच्छे खान पान रखिए, तनाव रहित रहिए, तो 100 साल भी जी सकते हैं, और हमें आशा है कि आप लोग उतने लंबे दीर्घायु रहेंगे। नहीं, आशा है अभी भी, यदि कुछ पैसों की जरूरत हो तो हमारे यहाँ पेंशन लोन विदिन 10 मिनट में हो जाता है, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गया, सिस्टम फेज करता है, आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ों की भी जरूरत हो बैंक आपके पास हमेशा आगे तत्पर रहेगी। तो ये जो 30-40 साल अभी जीना है उसमें एकदम जी, सब जो हॉबी है आपको जी लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा, इंजॉय करना, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्थ को देखना जरूर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ।